नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिबलो फाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन की। दोस्तों, टीजीटी कमीशन का जो एग्जाम है ये कब होगा इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टीजीटी कमीशन एग्जाम डेट की। दोस्तों, टीजीटी कमीशन एग्जाम डेट जो है उसे बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले तो ये COVID-19 की वजह से एक्सटेंड हुआ था, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी को पता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और वर्सेस बीपीएल केस चला हुआ था, इसमें इनकम से रिलेटिव इशू चले हुए थे। तो दोस्तों, ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट में सबसे पहले इसकी सुनवाई जो हुई थी वो 21 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और 10 सितंबर 2020 तक ये सुनवाई चल रही थी, पर इसमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है क्योंकि हाई कोर्ट ने जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया, जिसकी वजह से ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इससे पहले एसएमसी का केस भी जो अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से एग्जाम जो था वो आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है इसकी सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी और जो एसएमसी का केस है इसकी सुनवाई भी 23 तक इसकी सुनवाई हो जाएगी। दोस्तों, जब ये सुनवाई होगी उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि एग्जाम कब होगा। अब जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द हो और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट सामने निकल के आए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं क्योंकि इस भर्ती को काफ़ी समय से एक्सटेंड किया जा रहा है और बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये भी लग रहा है वो असमंजस में है, उनको पता नहीं चल रहा है कि तैयारी किस तरह से करनी है। बार बार इस तरह से पैनिक होना किसी भी अभ्यर्थी के लिए मुश्किल होता है। दोस्तों, आप लोग अपनी हिम्मत को ना तोड़ें। अगर आप लोगों ने अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने तैयारी को कर ली है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी जो वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उन चीज़ों को रिवाइज करें जो आपको अभी लग रहा है कि वो आपको आपने अच्छे तरीके से उनको तैयार नहीं किया है। दोस्तों, आप लोग ये ना सोचें कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एग्ज़ाम 100% होगा। ये कब तक हो सकता है इसकी संभावना जो बन रही है वो नवंबर या दिसंबर में बन सकती है, लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, इसके बाद ही हम लोग स्पष्ट रूप में बता सकते हैं कि पेपर कब होगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और पैनिक फील ना करें, कोशिश करें कि अपनी तैयारी को हाई लेवल पर लेके जाएँ और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करें ताकि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आपका पास हो सके और आपकी जो आपका जो लक्ष्य है उसे आप अचीव कर सकें। दोस्तों, ये आज का अपडेट था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।